सुप्रीम कोर्ट ने नया नैब कानून लाने के लिए हुकूमत को 3 माह की डेडलाइन दे दी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान गुलजार अहमद ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि हुकूमत ने नैब ऑर्डिनेंस लाकर नैब के पर काट दिए। सुप्रीम कोर्ट ने करप्शन की रकम की रजाकाराना वापसी और शिक 25A से मुतालिक अस्कुट नोटिस केस की समाप्त हुई है। अदालत ने नया नैब कानून लाने के लिए हुकूमत को 3 माह की मोहलत देते हुए कहा है कि 3 माह में मसला हल ना हुआ तो अदालत कानून और मेरिट को देखते हुए केस का फैसला करेगी। दौरान समाज चीफ जस्टिस ने कहा कि हुकूमत ने नैब ऑर्डिनेंस लाकर नैब के पर काट दिए हैं। कस्टम में 6 माह में केस का फैसला तो हो जाएगा, नैब में तो 10-10 साल केस पड़े रहते हैं। मजीद कहा कि हुकूमत नैब कानून के मामले को ज्यादा तूल ना दे, नैब कवानीन में तरामीम पार्लियामेंट का काम है। सुप्रीम कोर्ट ने नैब की किसी दफा को गैर आइनी करार दिया तो नैब फारिग हो जाएगी।